नारायण 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 मारे मन में एक बात आई कि आदमी अगर सुने ठीक तरह से जिज्ञासु जो बात कही जाए उसको ध्यान पूर्वक सुने उसमें प्रश्न करे समझने के लिए गहरा उत्तर करके उस प्रश्न के उत्तर में जो लाभ होता है वो केवल व्याख्यान सुनने से और पुस्तक के पढ़ने से लाभ नहीं होता। उसमें कारण है कि पुस्तक पढ़ने में और सुनने में पुस्तक पढ़ने में तो अपनी बुद्धि की ज्यादा प्रधानता रहती है और सुनने में भी अपनी बुद्धि की प्रधानता रहती है, परंतु प्रश्नोत्तर करने में प्रश्न करने से साधक सन्मुख हो जाता है। जैसे वर्षा बरसती है तो समुद्र में भी बरस जाती है तो वो निरर्थक जो हो जाती है, परंतु सीप होती है स्वाति के नक्षत्र समय वो मुख खोल देती है, ऐसे उस मुख में सीधी बूंद पड़ती है वो मोती बन जाता है। तो प्रश्न करने से उसकी बुद्धि वो स्वयं इतना सन्मुख हो जाता है जो बात कही जाती है वो ठेठ मोती बन जाती है। तो उसमें जो लाभ होता है वो लाभ तो केवल पुस्तक पढ़ने से नहीं होता और सुनने से भी नहीं होता, प्रश्नोत्तर करने से होता है। कारण क्या है कि ये जो साधन करते हैं उनमें कारण निरपेक्ष साधन है ना, वो पढ़ने से और सुनने से इतना नहीं होता, पढ़ने से अपेक्षा तो सुनने से ज्यादा होता है, पर प्रश्न करने से बिल्कुल कर्ण निरपेक्ष साधन होता है, उसको अभ्यास करना नहीं पड़ता है। वो जो प्रश्न करे और जब तक वो समझ नहीं आवे तब तक करता रहे तो प्रश्न उत्तर करते से उत्तर से वो कर्ण निरपेक्ष बात हो जाती है, ठीक स्वयं के भीतर बैठ जाती है बात, ठीक तरह से बात समझ में आ जाती है, तो वो तत्काल सिद्धि हो जाती है। उसके लिए अभ्यास करना नहीं पड़ता, फिर मनन विध्यासन आदि की जरूरत नहीं होती, इतना स्पष्ट बोध उससे हो सकता है। तो ऐसे प्रश्न किया जाए तो बड़ा लाभ होता है, पर प्रश्न किया जाए कैसे कि जो बात कही जाती है उसको सुन करके वो समझ ले, समझ करके गहरा उतर करके उसमें जो अपने संदेह हो वो पूछे, ऐसे पूछने से वो कर्ण निरपेक्ष साधन हो जाता है, कहने और सुनने मात्र से खट बात बैठ जाती है, वो है जो ही उसमें फिर शंका नहीं रहती, संदेह नहीं रहता, ढिलाई नहीं रहती, शिथिलता उसमें नहीं आती, जिसके लिए कि उसको अभ्यास करना पड़े, चिंतन करना पड़े, ऐसी आवश्यकता नहीं रहती। प्रश्न पूछे वही जो उस विषय में गहरा उतर करके और समझे, उसमें संदेह रहे उस बात को पूछेगा तो बहुत जल्दी काम होता है। एक ये मन में आई बात, अब इसमें कोई प्रश्न उठता हो आपके तो आप पूछो। जैसे कल की बात सुनी तो मैंने पीछे सज्जनों से सुनी कि आज विषय बड़ा अच्छा हुआ, तो अच्छा क्या हुआ, अच्छा बात तो यही थी ना,
असत का महत्व आप अधिक रखते हैं, इस वास्ते सत की प्राप्ति नहीं होती। असत का अगर महत्व आप न रखे तो सत की प्राप्ति सीधी स्वतः सिद्ध है, वो तो है ही। और ये बात मैं कब नहीं कहता हूँ, बहुत बार कहता हूँ। और मूल बात उसका है कि असत के द्वारा सत की प्राप्ति नहीं होती, असत के त्याग से सत की प्राप्ति होती। तो असत का त्याग वो ठीक समझने से असत का त्याग तत्काल हो जाता है एकदम। इस वास्ते वो विलक्षण लगी, कल की बात अच्छी लगी। अच्छी असत का संबंध विच्छेद हो जाए तो असत की तरफ वो महत्व नहीं रहे, तो मां नहीं रहने से सतरूप तो स्वयं है ही, स्वतः है, स्वाभाविक। अविनाशी तद्विधि ये न सर्वम विदम दत्तम विनाशम अव्यस्य अस्य न कष्टत कर्तुम अर्हति। तो वो अविनाशी स्वतः स्वतः है तत्व, ना साधो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव होता नहीं, सत है जो का जो ही है। प्रश्नोत्तरकरण से असत की निवृत्ति तत्काल हो जाती है, तत्काल हो जाने से वो तत्काल प्राप्ति हो जाती है उस तत्व की। क्यों, वो तो है तो सही है, उसकी प्राप्ति की ही प्राप्ति होती है, अप्राप्त की प्राप्ति नहीं होती है। अप्राप्त की प्राप्ति होती है वह फिर अप्राप्त हो जाएगा, पर नित्य प्राप्ति की प्राप्ति होने में अप्राप्ति नहीं होती। मानो अभ्यास के द्वारा, विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा किसी बात को पकड़ा तो वो फिर भी भूली हो जाती है, परंतु जहाँ असत के संबंध रहित हो करके और जो बात सुन ली और समझ ली, अब वो उस असत का संबंध ही नहीं रहता, संबंध विच्छेद हो जाता है। तो उसमें अभ्यास की जरूरत नहीं और तत्काल हो जाती है सिद्धि। ऐसा बुद्धि मता बुद्धि मनीषा से मनीषिणा यत अनिते ने ये सत्यम मत्ते ना प्रोति माप। हाँ, तो वह बात है कि बुद्धिमानों की बुद्धि है, मनीषियों की ये मनीषा है। तो बुद्धि और मनीषा है तो अमृत से अमृत की प्राप्ति होती है, तो मनीषा कही है ना पहले। मनीषा बुद्धि सत थोड़ी है, बुद्धि तो प्रकृति का कार्य है। तो बुद्धिमानों की बुद्धि है, मनीषियों की ये मनीषा है, जो अमृत असत के द्वारा सत की प्राप्ति हो जाए तो वो बुद्धि के द्वारा प्राप्ति होती है उसकी, वो अनिल से रिच की प्राप्ति हो जाती। बुद्धि का संबंध विच्छेद होने से होता है, जो कर्ण निरपेक्ष साधन होता है उसमें बुद्धि की अपेक्षा नहीं होती है, बुद्धि कर्ण है। जैसे इंद्रियां कर्ण है बाह्य, ऐसे मन बुद्धि अंतःकरण है, मानो अंतः साधन है ये, कर्ण है ये। तो कर्ण निर्देश कैसे होगा, अगर कर्ण निर्देश होगा तो उसमें अमृत अमाम अमृतम आपने ये नहीं होगा, वहाँ अमृत से वहाँ रिद से रिद की प्राप्ति होती है। ठल नहीं बात बैठी नहीं। देखो ये श्लोक जो चला है तो ऐसा बुद्धिमता बुद्धि और मनीषा च मनीषी नाम, बुद्धिमानों की ये बुद्धि है, मनीषियों की ये मनीषा है। तो बुद्धिमानों की बुद्धि है तो बुद्धि के द्वारा अमृत की प्राप्ति हो तो अमृत के द्वारा ही हुई ना, बुद्धि खुद अमृत है। तो बुद्धि को साथ लेकर कहा है वह कि जो असत्य है उसके द्वारा सत्य की प्राप्ति होती है, तो बुद्धि की ली है ना। बुद्धि का संबंध विच्छेद करे तो अमृत से अमृत की प्राप्ति नहीं होती। कर्ण निरपेक्ष साधन वो है जिसमें बुद्धि की अपेक्षा नहीं होती, और कर्ण सापेक्ष वो है जिसमें बुद्धि की जरूरत होती है। तो हम कहते हैं सुनते हैं इसमें बुद्धि की प्रधानता रहती है,
उसमें पुस्तक पढ़ने में मैंने कहा बुद्धि की प्रधानता विशेष रहती है और सुनने में बुद्धि की प्रधानता कम रहती है। ये दो भेद बता दे पहले के। बुद्धि हम पढ़ते हैं पुस्तक उसमें तो हमारी बुद्धि की प्रधानता रहती है, सुनने में सुनाने वाले की प्रधानता रहती है, बुद्धि का साथ रहता है। जहाँ प्रश्नोत्तर करते हैं तो प्रश्न करने पर वो सीप की तरह सन्मुख हो जाता है स्वयं, इस बात से तट बैठ जाती बात हो। तो अनिल से अमृत की प्राप्ति करना ये बहुत ऊंची दर्जे की बात है। तो असत्य से सत्य की प्राप्ति हो जाए, प्राप्ति हो जाए, इसी बात को लेकर मनुष्य जन्म की महिमा है कि मनुष्य जन्म बहुत महिमा है। तो मनुष्य में मनुष्यता क्या है, ये ढांचा का नाम नहीं है मनुष्य। मनुष्य नाम है विवेक शक्ति का, जो बुद्धि में विवेक शक्ति प्रधान है उसका नाम मनुष्य है। इस वाले छोटी अवस्था में अगर मर जाए तो उसको मनुष्य आदमी पैदा ही नहीं हुई, उसके वो समझने की शक्ति नहीं आई। अभी छोटा बालक है तो वो नहीं समझ सकता उस बात को, तो समझने की शक्ति ही नहीं आई। बुद्धि ठीक पुष्ट हो जाती है, समझने के लिए उन्मुख हो जाती है, तब से ही मनुष्य योनि मानी गई। तो नहीं तो ये बात है कि रामायण में आया है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रजतीय अधम शरीरा। अधम शरीर को अधम बताया है, तो उत्तरकांड में शरीर को बताया है। उन छुपाई याद नहीं आई भाई। नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेध नहीं, ज्ञान विराग भक्ति सुख दे नहीं, ज्ञान विराग भक्ति सुख दे नहीं, क्या नहीं शरीर सबसे दुर्लभ मानव मनुष्य शरीर। तो सबसे दुर्लभ मानव देही जीव चराचर जाचर देही, जो चराचर भी जाचता करता है सबसे दुर्लभ मनुष्य देही है। तो सबसे दुर्लभ मनुष्य देही वह बताया अधम शरीर। उत्तम शरीर है देवताओं से भी दुर्लभ, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्रभम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम, या उसी शरीर की मैं बात रही है। और शरीर से तन बिन वेद भजन नहीं बनना, तो तन बिन वेद भजन तन की महिमा आई ना। सबसे उत्तम मानुष देह उत्तम है और वहाँ बताया कि अधम शरीर, तो उत्तम और अधम दोनों मिलेगा कैसे? एक संत की वाणी में ही एक से आता है अधम शरीर, एक से कहते हैं उत्तम देही। तो अधम और उत्तम कैसे दोनों हुआ? तो उत्तम अधम इस बात से हुआ कि मनुष्य शरीर में वो बुद्धि है, विवेक शक्ति है मनुष्य शरीर में, भगवान की दी हुई। वो विवेक बुद्धि को बुद्धि में लाकर विवेक को देखेगा, तो विवेक एक शक्ति विलक्षण है, बुद्धि से ऊंची चीज है वो। और प्राय ग्रंथों में और सत्संग में विजन आता है जिसमें विवेक बुद्धि का कार्य माना गया है, कार्य मानते हैं। अस विवेक सब दे ही विधाता, ऐसा विधाता विवेक देंगे तो वो बुद्धि में आएगा, तो बुद्धि में आया हुआ विवेक है। जैसे ये प्रकाश होता है तो इसमें बल्ब में आई है बिजली, तो बिजली से प्रकाश होता है, तो बिजली बल्ब का प्रकाश नहीं है, प्रकाश है बिजली का। परंतु बिजली बल्ब में आई हुई प्रकाश करती है, तारों में रहती हुई प्रकाश नहीं करती। ऐसे विवेक शक्ति रहते हुए बुद्धि में आकर विवेक शक्ति काम करती है, विवेक शक्ति नहीं आती बुद्धि में तब तो वो काम नहीं करती। परंतु विवेक शक्ति वो बल्ब में थोड़ी है, बिजली शक्ति तार में भी है, ऐसे विवेक तो सब जगह है। विवेक तो नित्य है और बुद्धि अनित्य है, बुद्धि में आने पर अपने को विशेष मालूम देती है, नहीं तो मालूम नहीं देती। तो बिजली शक्ति तो तारों में है, वो आती ही रहती है, उसका प्रवाह चलता ही है। प्रवाह चलता हुआ भी जब जो सूक्ष्म तार है, इसमें लट्टू में सूक्ष्म तार है,
जो सूक्ष्म तार है जिसमें आने से वो तार जग जाते हैं प्रकाश हो जाता है, और वो स्थूल तार है जिसमें बिजली जोड़ती रहती है तो वो प्रकाश नहीं होता। इस तरह से विवेक शक्ति स्वतः है, पहले से अनादि है। जैसे प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है तो दोनों का भेद भी अनादि है। उभौ अभी उभौ कहा जाए तो भेद होगा ना दो का, दो का भेद होगा तो भेद ज्ञान का नाम विवेक ज्ञान है। विशेष पृथक भाव ऐसे बनता है, दोनों का अलग अलग ज्ञान उसको भेद ज्ञान कहते हैं। तो भेद ज्ञान होता है कि भेद ज्ञान तक ही बुद्धि पहुंचती है। भेद से अगर सर विवेक से, विवेक का जो असली विवेक है वहां पहुंचती है तो बुद्धि नहीं रहती है साथ में, वह विवेक ही रहता केवल। वो विवेक ही, अब विवेक खुद असत का त्याग करके सत से अभिन्न हो जाता है, और सब अवश्य दोनों साथ में रहते हुए उस ज्ञान का नाम विवेक ज्ञान होता है। असत का संबंध विच्छेद बने पर स्वरूप का बोध हो जाता है, स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, वहाँ बुद्धि का संबंध नहीं रहता। तो कारण निरपेक्ष साधन होता है, उसमें बुद्धि की अपेक्षा नहीं होती। ये बुद्धि की प्रशंसा की गई है, ये बुद्धि जिसमें उसका नाम मनुष्य है। तो पशु पक्षियों आगे को जो ज्ञान हुआ है तो वो विवेक शक्ति उनमें जागृत हुई है, तब हुआ है। और मनुष्य में विवेक शक्ति है स्वतः, ये थोड़ा सा सन्मुख हो तो वो जागृत हो जाता है, क्यों विवेक शक्ति है इसमें। उसी को लेकर मनुष्य जन्म की प्रशंसा है, शरीर की आकृति को लेकर प्रशंसा नहीं है, विवेक शक्ति को लेकर। हाँ, अब अपने सामने बुद्धि में ही प्रकट होता है। अब बुद्धि के बिना अपने विवेक प्रकट नहीं होता, बुद्धि में प्रकट होता है, पर बुद्धि में विवेक आता है। जैसे लट्टू में ही प्रकाश होता है, परंतु लट्टू में बिजली आती है, बिजली से बल प्रकाशित होता है, करता है प्रकाश, बिजली के बिना नहीं करता। बिल्कुल छोड़ देता है अपने आप, क्यों छोड़ देता है कि विवेक हो गया ना। जैसे ऊख को आप चूस लेते हो तो फेंक देते हो, क्यों फेंक देते हो, उसका रस रस तो आपने ले लिया, अब वो फालतू है फीका भर फेंक देते हैं। इसी तरह से विवेक शक्ति में जो सतर सत दो हुआ, विवेक शक्ति दो है, सतर सत का विवेक करने वाले क्षेत्र क्षेत्र ज्ञेय और ज्ञानम यत्र ज्ञानम मत मम, क्षेत्र और क्षेत्र का जो ज्ञान है वो मेरे मत में ज्ञान है। तो भगवान क्षेत्र क्षेत्र अंतरम ज्ञान चक्षुषा, क्षेत्र क्षेत्र और अंतरम ज्ञान चक्षुषा, ये विदु श्री यान्ति परम और भूत प्रति मोक्ष। तो विवेक हुआ, विवेक के बाद भूत प्रकृति मोक्ष, भूत में कार्य प्रकृति नाम कार्य कारण कार्य सहित असत क्रिया निवृत्ति होने से परम ज्ञान की परम को प्राप्त हो। यहाँ कहाँ विवेक है, परम की प्राप्ति में विवेक नहीं है, वो बोध है इसमें। सत सत दो नहीं रहे, क्षेत्र क्षेत्र एवं ज्ञान चक्षु, ज्ञान चक्षु तो मैं होता विवेक शक्ति होगी। इसके बाद में फिर विदुर ज्ञान की परम, परम को प्राप्त हो जाते हैं, वहाँ परम प्राप्त में असत नहीं रहता, असत निवृत्ति हो जाती। क्षेत्र क्षेत्र गये और एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्ष संचय, ये विदुर ज्ञान की परम वीर शक्ति का कार्य। ध्यान दिया ना, ध्यान दिया ना। हाँ आपका विवेक में और ब्रह्म में क्या भेद है, विवेक में और ब्रह्म में क्या अंतर है? विवेक में ब्रह्म, विवेक तो एक बुद्धि का कार्य है हमारे सामने, और ब्रह्म में बुद्धि बुद्धि नहीं है, वह बुद्धि नहीं है, वो तत्व से वो चेतन तत्व केवल। विवेक ज्ञान स्वरूप बोध उसमें दो चीज है, स्वरूप बोध है वहाँ, वहाँ विवेक ज्ञान नहीं है। विवेक ज्ञान बोध में परिणत हो जाता है, मन असत का सर्वथा त्याग हो जाता है, सत रह जाता है। बिल्कुल बिल्कुल प्राप्ति हो जाती उसकी। हाँ,
तो विवेक जब असत है तब तो विवेक है ना, असत जब निवृत्त हो गया विवेक कैसे रहा, वो बोध हो गया। विवेक कार्य नहीं है, बुद्धि में विवेक प्रकट होता है, विवेक कार्य नहीं है, विवेक तो स्वयं स्वतः है। जैसे प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है तो दोनों का भेद भी अनादि है, तो विवेक भी अनादि है, विवेक शादी नहीं है। विवेक हमारी बुद्धि में आता तक हमारा विवेक हो गया ऐसा कहते हैं, मां बुद्धि के द्वारा हमने विवेक को समझ लिया तो विवेक आ गया, विवेक हो गया। अस विवेक जब दे ही बचाता विवेक दिया ही, परंतु तो विवेक तत्व तो पहले से है अनादिकाल से। बुद्धि को जब विवेक छोड़ता है, विवेक जब बुद्धि को छोड़ता है तो मालूम क्या पड़ता है? मालूम पड़ता है बुद्धि में विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है। मालूम ये पड़ता है जैसे आंखें मीचे और प्रकाश की तरफ देखे तो लाल लाल प्रकाश दिखता है, परंतु आंख खोलने से प्रकाश दिखता है वो, तो इसलिए बुद्धि में आ जाती है दिखता है, पर वैसा साफ साफ ही आंख खोलने से दिखता है वैसा नहीं दिखता। नहीं तो सूरज के सामने आप आंख मीच बैठ जाओ लाल लाल दिखेगा, प्रकाश दिखेगा। हाँ बुद्धि साथ में रहती है, बुद्धि छोड़ता कैसे है? उपेक्षा से क्रिया नहीं है, वहाँ छूट जाता है। यूं कि वो जैसे ऊख को कैसे छोड़ते हैं, उसका रस ले लिया फिर क्यों पकड़े उसको, ऐसे विवेक का तत्व ले लिया फिर विवेक को क्यों रखे। विवेक तो सर्वत्र दोनों का अलग अलग भाव से ना विवेक ज्ञान है, विवेक ज्ञान है ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, वो ज्ञान है और ज्ञे जानने लायक है और ज्ञान गम्य है, तो ज्ञान वो विवेक गम्य है, विवेक ज्ञान से प्राप्ति होता है वस्तु, तो वो छूट जाता है। विवेक होता है तो अविवेक छूट जाता है, अविवेक क्या है, अविवेक है विवेक का अनादर, और कुछ अविवेक चीज थोड़ी है, विवेक की सत्ता स्वयं नहीं है, विवेक का अनादर करते हैं उसका नाम अविवेक, उसको आदर करते हैं विवेक, और विवेक आदर विशेष करते बोध ज्ञान हो जाता है। नारायण 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 राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 24 नवंबर 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद गोविंद भवन कार्यालय कलकत्ता में हुआ। राम।